तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। सबसे पहले आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही कमाल का एक नया अपडेट आया या नई न्यूज़ आई, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, वन यू आई 6.0 रोल आउट हो चुका है, स्टेबल वर्जन निकल चुका है S23 और S22 के लिए, और भी बहुत सारे मॉडल्स के लिए स्टेबल वर्जन निकल चुका है। पर सबके मन में यही डाउट है कि यार हमारे मोबाइल में ये कब आएगा और कब हमारे मोबाइल में स्टेबल वर्जन हमें मिलने वाला है। आपको आगे ऐसी एक डेट्स बताने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि ऑफिशियली तो नहीं है, बट एक जगह से ऐसी लिस्ट आई है जिसके अंदर वहाँ पर डेट लिखी हुई है कि इस मॉडल के अंदर इस डेट को ये अपडेट रोल आउट कर दिया जाएगा स्टेबल वर्जन का। वो सारी डिटेल आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं अपडेट बताने वाला हूँ, वो जैसा कि आपको बताया, S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा के लिए रिलीज हो चुका है 30 अक्टूबर 2023 के दिन। इन पे स्टेबल वर्जन रोल आउट हो चुका है वन यू आई 6.0 का। उसके बाद बात करें A14 5G, A14 के लिए अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि इसकी डेट कब है। A34 की डेट उन्होंने बता दी है 13/11/2023 को इसके अंदर अपडेट आ जाएगा। A54 में 13/11 में आ जाएगा। S22 और S22 प्लस और S22 अल्ट्रा, इनमें 15/11 मतलब 15 नवंबर के दिन इन पे स्टेबल वर्जन अपडेट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखें S23 FE, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उसके अंदर 20/11 के दिन ये अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। और नीचे जाए तो Z Flip 5 और Z Fold 5 पे 13/11/2023 में ये अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें मिड रेंज हैंडसेट्स की, A13 5G जिसके अंदर 20/11/2023 को रिलीज कर दिया जाएगा। A33 5G 20/11/2023 में इसमें अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। A52 27/11/2023 को इसमें रिलीज कर दिया जाएगा। एंड A52S 5G जो मेरे पास है और बहुत सारे मेरे यूजर्स जिनके पास है A52 5G, उसके अंदर 27/11/2023 के दिन इस पर अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें A53 5G, इसके अंदर रिलीज किया जाएगा 20/11/2023। और A72 जिसके अंदर रिलीज किया जाएगा 30/11/2023। और उसके बाद गैलेक्सी S21, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा, इनमें 20/11/2023 को इस पर अपडेट रिलीज किया जाएगा। ऐसे ही S21 FE जिसके अंदर 24/11/2023 में इसका अपडेट रिलीज किया जाएगा। गैलेक्सी जेड फ्लिप 4, गैलेक्सी जेड फोल्ड 4, उसमें 20/11/2023 के दिन इसका अपडेट रिलीज किया जाएगा। उसके बाद और नीचे आए थोड़े और पुराने हैंडसेट्स में, तो A13 के अंदर 27/11/2023 के दिन रिलीज किया जाएगा अपडेट। A14 की डेट अभी तक कोई डिसाइड नहीं की गई है। फिर A23 5G जिसका अपडेट 27/11/2023 में आएगा। एंड देन A25 5G वाला जिसका 1 दिसंबर 2023 में अपडेट रिलीज किया जाएगा। उसके नीचे जाएंगे A52 5G वाला, उसका डेट अभी तक रिलीज नहीं किए, उस पर कोई भी डिसाइड नहीं किया है। गैलेक्सी टैब A7 Lite जिसका डेट भी डिसाइड नहीं की है। गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 और फोल्ड 3 27/11/2023 के दिन इसका अपडेट रिलीज, उसमें 27/11/2023 के दिन अपडेट रिलीज किया जाएगा। गैलेक्सी A04S 4 दिसंबर 2023 में इसका अपडेट रिलीज किया जाएगा। उसके बाद X Cover 5 जिसका अपडेट 8 दिसंबर 2023 को रिलीज किया जाएगा। एंड देन लास्ट वन A05 है जिसकी अभी तक कोई डिसाइड डेट नहीं की गई है। दोस्तों ये जो लिस्ट मैंने बताई है, एक हो सकता है इसके हिसाब से रोल आउट हो वन यू आई 6.0 के, इसके आसपास आ सकता है। जैसा कि मैंने जो डेट्स बताई है उसके आगे पीछे ये अपडेट रिलीज हो सकते हैं। कंट्री वाइज भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो चुका है, हो सकता है, बट ये डेफिनेटली इस डेट्स के आसपास एस्टिमेटेड डेट्स हैं कि इसके आसपास वो रिलीज होने के चांसेस हैं। तो यही न्यूज़ थी वन यू आई 6.0 से रिलेटेड सैमसंग गैलेक्सी की, जो कि मैंने आपको बताई। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर लेना, और हो सके इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।